फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को थप्पड़ लगने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि किसी नेता की इस तरह की फजीहत पहली बार नहीं। इससे पहले भी कई नेताओं के साथ ऐसा बर्ताव हो चुका है और हाल ही में इस घटना ने उन सभी घटनाओं को फिर से ताज़ा कर दिया है जब विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। मैक्रों के साथ हुई इस घटना की कुछ देर बाद ही यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही थप्पड़ मारने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि यह घटना उस वक्त हुई जब मैक्रों लोगों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। ताजुब की बात यह है कि मैक्रों के साथ इस तरह का वाकया दूसरी बार घटा है। इससे पहले जुलाई 2020 में जब अपनी पत्नी के साथ पेरिस में ही किसी इलाके का वे दौरा कर रहे थे तब कुछ लोगों ने उन पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस घटना ने एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और ताइवान के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। बता दें कि 2008 में बगदाद में एक ऐसी घटना घटी थी जब पूरी दुनिया की महाशक्ति के तत्कालीन प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। तभी 30 वर्षीय अल बगदादियों के पत्रकार मुंतजीर अल जैदी ने उन पर एक एक कर जूते फेंक कर मारे थे। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त वहाँ पर इराकी प्रधानमंत्री नूर अल मलिकी भी मौजूद थे। मार्च 2009 में जैदी को इस अपराध के लिए 3 सालों की सजा सुनाई गई थी। जूते में विस्फोटक की आशंका के मद्देनजर इसकी पूरी जाँच की गई थी। इतना ही नहीं, इस जूते को इराकी फुटबॉल टीम के पूर्व कोच ने खरीदने की भी कोशिश की थी। 2010 में ऐसी ही एक घटना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के साथ घटी। उस वक्त वो एक किताब ए जर्नी के विमोचन के सिलसिले में आयरलैंड गए हुए थे। जब वो अपने जीवन से जुड़ी किताबों की कॉपीज पर साइन कर रहे थे उसी वक्त उनके ऊपर जूते और अंडे तक फेंके गए। इस किताब में 9/11 का हमला और डाउनिंग स्ट्रीट में बिताए गए उन पलों का जिक्र था। हालांकि इनमें से कोई भी जूता उनको नहीं लगा। आरोपियों ने ऐसा इराक और अफगानिस्तान में ब्लेयर की भूमिका के विरोध में स्वीकार किया था। 2010 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में उस वक्त जूता फेंक कर मारा गया था जब वो पीपीपी के एक अधिवेशन में हिस्सा ले रहे थे। इसे आरोपी शमीम खान को तुरंत वहां से बाहर कर दिया गया था। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर 2 बार अलग अलग जगहों पर जूता फेंका गया था। पहली बार यह घटना फरवरी 2011 में उस वक्त घटी जब मुशर्रफ लंदन में ऑल मुस्लिम लीग पार्टी की मीटिंग में बोल रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने उन्हें तानाशाह बताते हुए उनके ऊपर जूता फेंका था। उनके ऊपर दूसरी बार साल 2013 में सिंध हाईकोर्ट से बाहर निकलते हुए जूता फेंका गया था। इसी तरह की घटना ताइवान के राष्ट्रपति माइन जियो के साथ भी घटी थी। उन पर 2013 में अलग अलग जगहों पर 2 बार जूता फेंका गया था। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब की स्ट्रीट, दिल्ली।